करोड़ों और लाखों की संख्या में मजदूर अपने पैदल गांव पर जा रहे, 1500 से 1200 किलोमीटर 700 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं तो मजदूर हुए हैं। पूरे देश में सभी राज्यों के मजदूरों की परिस्थिति बेहाल हो चुकी है। 50 दिन लॉकडाउन हो चुके हैं, नहीं खाना मिल रहा है, नहीं पीने का पानी मिल रहा। ट्रेनों से उसको स्पेशल ट्रेन मिलती है लेकिन वो भी बहुत कम मिलती है। एक ट्रेन में 1200 लोगों को, मजदूरों को अपने प्रदेश में जाने के लिए उनको ट्रेन की सेवा उपलब्ध की जाती है, श्रमिक ट्रेन। लेकिन एक दिन की में 40 ट्रेनें चले तो सिर्फ 1200 से हिसाब से 1,20,000 मजदूर अपने वतन की ओर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 12 से 14 करोड़ मजदूरों की समस्या है जो अपने गांव पैदल चल रहे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सभी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर है। अभी तक कहा गया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाई गई, फिर भी मजदूर चलकर अपने प्रदेश में जाने के लिए मजबूर बने हैं। लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूरों की हालत बेहाल हुई है। अभी भी सड़कों पर पैदल चल रहे और कहीं एक्सीडेंट में उनकी जान भी गंवानी पड़ती है। सुबह में 6 और 4 मिलकर 14 मजदूरों की मृत्यु हो गई है अकस्मात में, और आगे भी ट्रेन से अकस्मात हुआ था। इसी तरह हर हाल में मजदूर की मौत हो रही है, कहीं भूख से मरे जा रहे हैं, कहाँ एक्सीडेंट से मारे जा रहा है। इसी तरह मजदूर बेहाल हुआ है। 400 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में दौड़ी गई, फिर भी मजदूर कम नहीं हो रहे। सभी जगह हल्ला बोल कर रहे, वो अपने गांव जाना चाहते। सभी राज्य की बात है, जहाँ गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर सभी जगह, छत्तीसगढ़ से लेकर सभी जगह से मजदूर अपने गाँव जाना चाहते हैं। हालत बेहाल हो चुकी है। 50 दिन में मजदूरों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, इसीलिए मजदूर सड़क पे आ गए हैं। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मजदूर पैदल चलने को मजबूर है। कहाँ रहते हो? कुंडा मोगा रहते हैं। कुंडा मोगा कहाँ से आ रहे हैं? बाहर कमाने गए थे। हाँ, जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ, आने का पैसे का? रुक जाओ ना भैया 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 ज्यादा। एक मिनट बस, कहाँ रहते हैं आप? कुंडा मोगा रहते हैं। कहाँ से आने हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कुछ शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से। सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? किसी भी तरीके नहीं। कितने दिन हो? कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं भैया। रुको, कहाँ से आ रहे हो? हम हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा से कितने लोग हो? 5 लोग हैं। कई दिन पहले चले हो? 4 दिन। आप बैठा देते हैं सबको, अपने अपने घर से चले जाएं। कहाँ जाना है आपको?